हम सभी बाप दादा द्वारा अभी इस साकार दुनिया में रहते हुए भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फ्रिशते हैं क्यों हम सबको ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है प्यार है ना सभी का ब्रह्मा बाबा से प्यार है यस यस yes, यस yes, huh? तो ब्रह्मा बाबा को तो आपने देखा ही नहीं फिर कैसे प्यार है <laughs> देखा है ब्रह्मा बाबा को देखा है <laughs> देखा है आपने <laughs> कैसे देखा आपका तो जन्म ही पीछे हुआ <laughs> तो सबसे बड़े ते बड़ी देखने की आंख जो है ना वो है अनुभव की आंख इस आंख से हम जो भी कुछ देखते हैं लेकिन देखने के बाद भी याद क्या रहता है उसका अनुभव ही याद रहता है मानो हमने मीठा खाया चीज तो मीठी देखने में आती है खाने में आती है लेकिन याद क्या रहता है उसका अनुभव मीठाज का या कोई भी चीज हम देखते हैं हमको बहुत ये बगीचा बहुत अच्छा लगा अच्छा बगीचे में तो बहुत कुछ देखा हम सभी ने फल भी देखे घास भी देखा वैरायटी फल फूल भी देखे लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो एक एक फूल हमारे सामने नहीं आएगा टोटली जो हमारे बुद्धि में अच्छाई का अनुभव रहा ये अच्छा था वो अनुभव ही हमको याद रहता है देखी हुई चीज में फर्क पड़ सकता है जैसे मानो एक ही स्थान पर हम आए हैं अभिज्ञान सरोवर में आप सभी एक ही स्थान में रहते हो चलो कमरे अलग अलग होंगे लेकिन आप सब का अनुभव यही होगा ज्ञान सरोवर बहुत अच्छा लगा तो याद क्या रहेगा आपको एक एक कमरा एक एक हाल की दीवार याद नहीं रहेंगी लेकिन यादगार रूप में आपके मन बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ा वो अच्छे का पड़ा अनुभव किया ना अच्छा बहुत अच्छा बुरा अच्छा ये अनुभव कौन करता है अन आंख नहीं करती है लेकिन मन बुद्धि करता है और मन बुद्धि द्वारा जो अनुभव होता है वो कभी बदल नहीं सकता है अभी मानो ये स्टेज पर ये फूल रखा है ये गुलदस्ता रखा है अभी इसमें रंग बिरंगी फूल है आपसे पूछेंगे टेबल पर क्या रखा था कोई ध्यान देगा कोई नहीं भी देगा लेकिन जो ध्यान से देख रहे हैं यहाँ गुलदस्ता रखा है आपसे पूछेंगे गुलदस्ता रखा था कैसा था क्या था तो कोई क्या सुनाएगा कोई कहेगा गुलदस्ता में जो पीला फूल था ना वो बहुत अच्छा था कोई कहेगा गुलाब का जो था ना वो बहुत अच्छा था देखा तो एक ही साथ लेकिन हरेक की जो अच्छा लगता है वो मन बुद्धि में कैच होता है तो वो तो अनुभव हुआ ना तो आप सब ने इस आंखों से ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है लेकिन आपने मन बुद्धि द्वारा जो अनुभव की है ना अनुभव की आंख से देखा है वो आपका कभी भूल नहीं सकता देखी हुई चीज में कंफ्यूज कोई करे तो हो जाता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं था तुमने गलत देखा ये ऐसा था तो कभी कंफ्यूज हो भी सकते हैं लेकिन अनुभव के चीज में जैसे मानो आपने चीनी का अनुभव किया है कि ये मीठी होती है अनुभव किया है ना अभी सारे ये सारा क्लास आपको उठ के कहे नहीं नहीं चीनी मीठी नहीं होती है खट्टी होती है आप मानेंगे और कोई कहे तुमने देखा क्या नहीं ये ऐसी होती नहीं है पीली नहीं थी सफेद थी ये मोटी नहीं थी बहुत पतली थी कहेंगे शायद हो लेकिन अनुभव जो किया है मीठी थी चीनी, वो कितने भी आपको कहेंगे ना आप मानेंगे नहीं अनुभव एक सबसे बड़ी अथॉरिटी होती अनुभव को कोई बदल नहीं सकता है। इसी रीति से आप सबने ब्रह्मा बाबा को अनुभव के आंख से देखा है देखा है अनुभव के आंख से देखा है ना? हाँ, ऐसे ऐसे करो जिन्होंने देखा है <laughs> जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को अनुभव के आंख से देखा है देखा है हाँ देख लिया वाह <laughs> बहुत अच्छा किया तो अनुभव एक सबसे बड़ी चीज इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनते सभी है छासठ साल वाले भी वो ही मुरली सुनती है सुनते हैं अभी सुबह को क्लास में मुरली चली जो सुनाने वाली दादिया है वो तो छासठ साल से सुन रही और आप में से कोई दो साल कोई पंद्रह साल कोई चौदह साल वाले होंगे मुरली तो एक ही सुनते हैं ना लेकिन फिर भी एक ही मुरली और एक ही सुनाने वाला टीचर भी हमारा एक ही है दो तीन नहीं है कोई को ट्यूशन मिलता हो अलग टीचर हो एक ही टीचर है और एक ही एक ही, ही पाठ है पाठ में भी फर्क नहीं है लेकिन माला तीन बनी है 108 की माला उसमें भी आठ की माला विशेष सोलह हजार की माला फिर नौ लाख भी है अभी एक ही टीचर एक ही पढ़ाई और तीन माला क्यों बनी इतने नंबर कहाँ 108 के की माला का पहला नंबर दाना और 9 लाख का लास्ट दाना कितना अंतर होगा बहुत अंतर हो गया ना तो इसीलिए बाबा कहता है मुरली सब ने सुनी एक ही लेकिन उसको अनुभव में लाना अनुभव में लाना माना अपने नेचुरल लाइफ में लाना जैसे बाबा ने कहा तो याद और सेवा ये मुख्य सब्जेक्ट है हमारी याद में भी रहना है और सेवा भी करनी ठीक है तो याद और सेवा के प्रैक्टिकल नेचुरल लाइफ में वो नेचुरल स्थिति हो गई है, है ही हम सेवादारी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते है चाहे हम मनसा सेवा करें चाहे वाचा करें चाहे यज्ञ की कर्मणा सेवा करें यज्ञ माना जो सेवा केंद्र है वो भी यज्ञ की ही तो शाखा है ना तो कोई भी सेवा मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा में एक नेचुरल हमारी लाइफ हो जाए दो घंटा सेवा की बहुत जोश जोश से और फिर थक गए तो कहेंगे अभी छोड़ो अभी तो नहीं हो सकता नेचुरल लाइफ सेवा की और याद की हो जाए याद भी वास्तव में अगर देखा जाए तो बाबा कहते हैं बाप और बच्चे का संबंध है चलो और भी सर्व संबंध है संबंध है ना हम बाबा को बाबा शब्द ही कह के कहते हैं ना बाबा की याद बाबा की याद तो बाबा और बच्चे का संबंध है और संबंध ऐसी चीज होती है जो सुते ही संबंध वाला जिससे प्यार होगा चाहे आपका दोस्त से प्यार है दोस्त का संबंध है और बाप का संबंध है लेकिन अगर प्यार आपका दोस्त से होगा तो बाप से भी आपको ज्यादा याद जो आएगा वो दोस्त आएगा, बाप कम याद आएगा लेकिन दोस्त ज्यादा याद आएगा क्यों कि आपका उसके साथ प्यार का दिल के प्यार का संबंध है तो बाबा से हमारा दिल का संबंध है ना बाडी का तो कोई है ही नहीं दिल का संबंध है और अति प्यारा है बाबा हम दिल से कहते हैं मीठा बाबा प्यारा बाबा दिल कहती है मीठा बाबा प्यारा बाबा क्यों दिल से निकलता है क्योंकि अनुभव किया है प्यार का मिठाज का मधुरता का प्यार का अनुभव किया तो हमारे को भी याद संबंध के आधार से प्यार के संबंध के आधार से हमारा याद भी एक नेचुरल होना चाहिए माँ बाप से लौकिक रीति से भी कितना संबंध होता है लौकिक में भी और ये तो हमारा अलौकिक संबंध है तो याद हमारी भूले क्यों जब हमने पहचान लिया बाबा का परिचय हमारे दिल में क्लियर है कि एक बाबा ही हमारा संसार है है एक बाबा हमारा संसार है ठीक है संसार है ये होता है ना ट्रांसलेशन थोड़ा देरी से होता है तो बाबा संसार है, है? पक्का कि दूसरी भी एक दो गली है, है एक दो गली और भी है कि संसारी बाबा है, है? जब संसारी बाबा है ये पक्का है संसार ही बाबा है संसार तो संसार में संसार के सिवा और कुछ होता है क्या दुनिया में संसार में दो चीज होती है एक व्यक्ति संबंध में मतलब आत्माओं से संबंध है लेन देन है कुछ भी है एक व्यक्ति और दूसरा वेब हो यानी साधन चीजें तो हमको सब चीजें जो भी होती है ये बहुत चीजें विस्तार में है सुबह से अगर देखो आप तो कितनी चीजें हम शरीर के लिए यूज करते हैं खाते हैं पीते हैं या कुछ कंगी करते ये कला करते क्रीम लगाते कुछ भी कितनी चीजें होती है शरीर के लिए कितनी चीजें सुबह से लेकर रात तक हम यूज करते हैं तो एक व्यक्ति है और दूसरे जो है वो ये जो है साधन है वैभव है समझो तो ये वैभव हम यूज करते हैं किस लिए हमारा शरीर जो है ना वो अच्छा रहे या हमारा जो लाइफ है वो सुखी रहे शांत रहे आनंदमय रहे तो हमको बाबा से सुख शांति आनंद प्रेम मिलता है मिला ना मिला है ना सुख भी मिला है अति इंद्रिय सुख मिला है बाहर का सुख नहीं अति इंद्रिय अति इंद्रिय माना जो इंद्रियों से भी परे अंदर आत्मा है ना वो हमको सुख मिला है अति इंद्रिय सुख मिला है बाहर का सुख तो देखो आज मुझे बहुत अच्छा खाना लगा चलो थोड़ा टाइम का हमको बहुत अच्छा सुख मिला उससे खत्म हुआ तो खत्म लेकिन अति इंद्रिय सुख जो बाबा कहता है इन शरीर की जो इंद्रिया है इस इंद्रियों के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो आत्मक सुख इसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख इंद्रिया उसको खत्म नहीं कर सकती अवनाशी तो वो सुख शांति आनंद प्रेम सच्चा वो बाबा से मिला है ना हमको सब साधनों का सुख शांति वो भी मिला और व्यक्तियों का संबंध जो है व्यक्तियों से क्या होता है हमारा संबंध ही तो होता है और क्या होता है तो सर्व संबंध बाबा से मिला बाबा मां बन करके हमारी कितनी पालना कर रहे हैं माँ क्या करती है बच्चे की पालना करके उसको शक्तिशाली बनाती तो बाबा मूल्यों द्वारा हमारी पालना करके हमको कितना मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहा सुबह सुबह को सवेरे गर्म वो तो स्तूल में गर्म कोई ऐसी चीज खिलाएंगे ताकत वाली माँ और बाबा हमको गरम गरम मूली सुनाता है पालना के लिए सारा दिन की खुराक खिला देता है सवेरे सवेरे बाप बन के कितना वर्षा देता है जो कोई बाप नहीं दे सकता है कोई ने दिया तेसठ जन्म देख लिया ना क्या दिया वर्षा और अभी बाबा हमको कितना अधिकार दे रहा है इक्कीस जन्म के लिए तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा राजा रानी बन जाएंगे और आराम से अपना राज चलाएंगे ऐसा राज नहीं आजकल जैसा जो चिंता का ताज पर है लेकिन हमारे 21 जन्म की गारंटी बाबा ने उठाई तो ऐसा जन्म से दर्द कोई बाप दे सकता है लौकिक बाप एक जन्म का भी गारंटी नहीं उठा सकता अच्छा हमको दो चार करोड़ भी दे दिया लेकिन हमारा कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो खत्म कर दू मैं फिर बाप जिम्मेवार होता है क्या बच्चा बीमार होता है बीमार होता है क्या बाप उसको बचा सकता है क्या लेकिन बाबा 21 जन्म की जो गारंटी ली है उसमें हमको कोई दुख का शांति नहीं आएगी। बाप बन के वर्षा भी दे रहा है और फ्रेंड तो ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा कंपेनियन ऐसा कभी नहीं मिलेगा आप और कितना भी आपका गहरा दोस्त हो किसी को भी आप अपने दिल का हाल सुनाएंगे ना वो कभी ना कभी कहा निकाल लेगा आपकी बात आउट जरूर हो जाएगी लेकिन बाबा दिलाराम राम अपने दिल में कैसी भी आपकी बातें हो लेकिन बाबा दिल में छिपा के रखता है कभी आपकी बात कोई आउट नहीं बाबा करेगा और कंपनी कंपेनियन ऐसा कंपेनियन जो कभी कोई सेवा भी आपसे नहीं ले और तोड़ निभाता रहे ऐसा कंपेनियन कभी तेसठ जन्म में मिला है क्या मिला है बाबा जैसा कंपेनियन भी कोई नहीं मिल सकता और उसकी सेवा आप क्या करेंगे निराकार की सेवा क्या करेंगे और जो कंपेनियन होगा उसकी तो सेवा करनी पड़ेंगी वो राजी हो या नाराज हो लेकिन हमारे बाबा निराकार है तो निराकार बाबा की सेवा क्या करेंगे ब्रह्मा बाबा ने साकार में भी सेवा नहीं ली कभी नहीं बाबा बचे हम कहते थे ना बाबा बड़ी आयु थी ना ब्रह्मा बाबा की साकार में बाबा थोड़ा बुजुर्ग है बाबा आप काम करके थक के आए होंगे बाबा थोड़ा पाँव दबा दें थोड़ा सिर्फ हमारा प्यार है बाबा सेवा नहीं है प्यार है आप थोड़ा हाथ लगाने दो पांव को बाबा कहते भगत भगत जाओ भगत सेवा नहीं लेता था यानी बाबा इतनी भी सेवा नहीं लेता था ब्रह्मा बाबा साकार बाबा तो ऐसा कंपेनियन आपको कौन मिलेगा जो दिल की बात भी लेवे सेल्वेशन भी देवे सेवा भी नहीं लेवे, आपको सुर का ताज बना के रखे ऐसा कंपेनियन कहाँ मिलेगा सर्व संबंध बाबा के साथ है तो संबंध से याद रहना मुश्किल क्यों जब हमारा सर्व संबंध है एक संबंध वाला भी फ्रेंड समझो फ्रेंड जो गहरा फ्रेंड होता है उसको कभी आप भूल सकते हो क्या कोई भी बात आएंगी आपको पहले कौन याद आएगा बाप नहीं आएगा वो फ्रेंड याद आएंगे तो ऐसी याद जो बाबा कहता है कोई भी बात हो जाए दिल से निकलता है बाबा मेरा बाबा बैठा है बाबा सुन रहा है बाबा मेरा देख रहा है मेरे को बाबा की हेल्प है ही मेरे साथ ऐसा है यही तो याद है ना और क्या है? तो याद और सेवा एक नेचुरल लाइफ की हो ये नहीं दो घंटा सेवा की थक गए आज बहुत अच्छी सेवा की कल थोड़ा मूड ऐसा हुआ कोई बात पर तो सेवा वार रही मैं वा, ऐसे नहीं सच्चे दिल की सेवा और सच्चे दिल की याद इसको कहते हैं नेचुरल याद संबंध की नेचुरल याद होती है करना नहीं पड़ता है पिताजी पिताजी मैं आपको भूल नहीं सकती पिताजी मेरे को याद है आप ऐसे करते हैं क्या कभी तो बाबा हमारा इतना प्यारा उसकी भी तो नेचुरल याद होनी चाहिए ना कोई भी बात होवे पहले बाबा याद आता है दिल से चाहे कोई समस्या हो चाहे हमको कोई शक्ति खत्म हो गई है शक्ति चाहिए फौरन ही बाबा याद है बाबा जैसे छोटे बच्चे को स्वयं माँ बाप के छोटा माँ और बाप के और कोई याद नहीं होगा कुछ भी होगा पापा मामा, ये ऐसे हमारी कोई भी बात आ जावे लेकिन हमारे दिल से क्या निकले बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा यही याद है और क्या है तो हम बाबा से हमारा प्यार है तो अभी ब्रह्मा बाबा किस रूप में है <coughs> अब यह तो फ्रिश्ता है ना आपको मालूम तो है ना तो बाबा किस रूप में है ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त फ्रिश्ता रूप में तो बाबा से प्यार है तो हमको ब्रह्मा बाबा के समान बनना है ब्रह्मा बाबा के समान भी बनना है और शिव बाबा के समान निराकारी आत्मा भी स्वरूप में स्थित होना है। ये है बाप दादा समान बनना तो हम फ्रिश्ता स्थिति में स्थित है फ्रिश्ता तो मैंने देखा है फॉरिन को ज्यादा फ्रिश्ते ही अच्छे लगते है चित्र देते हैं हार्ट और फ्रिश्ता ये दो ही गिफ्ट को अच्छी लगती है ज्यादा करके तो बहुत अच्छा है एक तो दिलाराम बाबा की दिल आप और दूसरा फ्रिश्तापन की फ्रिश्तेपन की स्थिति चाहिए स्थिति में स्थित होना माना अभी हम हमारा ये इतना पांच फुट का छ फुट का शरीर तो हमारा है ना हमारे साथ तो शरीर को तो चलाना तो पड़ता ही है भले आत्मा हूँ मैं लेकिन आधार तो अभी शरीर का लिया है ना लेकिन जैसे फ्रिश्ता क्यों हमने पहले पहले ब्रह्मा बाबा को फ्रिश्ते रूप में देखा था बहुत साल पहले की बात है जब साक्षात्कार में सूखेम वतन में ब्रह्मा बाबा को फ्रिश्ते रूप में देखा था तो फ्रिश्ता रूप क्या है बाबा का जब पहले पहले हमने देखा बाबा को तो फीचर्स तो वही थे जैसे ब्रह्मा बाबा के फीचर्स है वैसे ही वही फीचर्स थे और ड्रेस भी उसी में ही बाबा मिला हमको फ्रिश्ते रूप में लेकिन फर्क क्या था हमने तो दूर से जब देखा पहले बारी तो मैंने कहा ये तो हमारा बाबा साकार में भी बैठा है यहाँ भी दिखाई दे रहा है ये यह यहाँ बाबा जब साकार में है तो ये क्यों दिखाई दे रहा है मेरे को ट्रांस में क्यों दिखाई दे रहा है ये तो साकार में बैठा है मैं तो उनके साथ रहती हूँ ये क्यों दिखाई देता है तो फिर हम दिन प्रतिदिन जैसे ये साक्षात्कार का ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप का स्पष्ट होता गया तो हमने देखा फर्क क्या था ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा में यही फर्क था एक तो वो लाइट रूप बहुत था प्रकाश स्वरूप और दूसरा अगर हम बाबा से मिले ना जाके समझो बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ बच्ची तो हम जाएंगे ना बाबा से मिलने तो हम जब बाबा से मिले तो हमको क्या अनुभव हुआ तो हड्डी मास है ही नहीं जैसे सिर्फ लाइट लाइट की ही प्रकाश महकाया है, है लाइट की बॉडी है हड्डी मास नहीं था तो अव्यक्त रूप में जो है फर्क ये रहा साकार और अव्यक्त रूप में उसमें हड्डी मास नहीं था और रोज लाइट ही लाइट था लाइट का ही था तो हमको तो ये मोटा शरीर है हम हड्डी मास को तो भूल नहीं सकते है ना लेकिन हड्डी मास से काम लेते हुए भी हड्डी मास के चलाने वाली मैं आत्मा हूं वो तो लाइट है ना? आत्मा में हड्डी मास है क्या देखा है कभी आत्मा को उसमें हड्डी मास है लाइट ही लाइट है ना ज्योति बिंदु है ना तो अगर हम फ्रिश्ता लाइफ में शरीर होते हुए छह फुट का मोटा शरीर है लेकिन अगर हम इस शरीर में रहते हुए भी अगर हम आत्मा रूप में स्थित हो जाते हैं तो हड्डी मांस के शरीर के विस्मृति से यानी स्मृति से परे हो जाते जब आप योग में बैठते हो अपने को समझते हो मैं आत्मा हूं तो आत्मा में ये मोटे शरीर का भान तो नहीं है ना अव्यक्त वतन में बाबा में नेचुरल है ही लाइट लेकिन हम यहाँ जो फ्रिश्ता बनने चाहते हैं तो हड्डी मास को तो छोड़ नहीं सकते है जब तक तो शरीर है छोड़ नहीं सकते है लेकिन भूल तो सकते है ना और हड्डी मास में हूं तो नहीं ना हूं तो मैं आत्मा ही ना तो जो मैं आत्मा हूं उस आत्मक ज्योति स्वरूप में स्थित हो करके चले तो क्या मैं फरिश्ते की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती हूं मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेने वाली हूं आधार मैंने लिया है शरीर ने मेरा आधार नहीं लिया आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया तो मैंने आधार लिया मैं आधार को काम में लाऊं या नहीं लाऊं, इससे परे हो जाओ ये हमारे हाथ में है ना हमारी याद की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो ये हड्डी मांस का शरीर अपने तरफ हमको खींचे नहीं बस देह भान हमको अपने तरफ खींचे नहीं तो हम सुना रहे थे जो बाबा कहता है फ्रिश्ते स्वरूप में स्थित तो हो जाओ उसका मतलब ये है कि आप इस देह के बंधन में नहीं आओ एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था कि एक है देह का बंधन और दूसरा है देह का संबंध देह के से आत्मा का संबंध जरूर रखना है लेकिन कर्म से या देह द्वारा जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के संबंध में आए लेकिन बंधन में नहीं संबंध अलग चीज है बंधन अलग चीज तो हम लोग क्या है फ्रिश्ते स्थिति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इस हड्डी मांस का देह शरीर जो है ना उससे संबंध भले रखे लेकिन बंधन में नहीं आवे बंधन में आ जाते हैं यानी कर्म हमको अपने तरफ खींच लेता है सोल कॉन्शियस स्थिति से भूल जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस स्थिति में आ जाते तो ये एक्शन कॉन्शियस स्थिति जो है वो है देह का कर्म का बंधन और सोल कॉन्शियस स्टेट जो है वो है देह का संबंध है क्योंकि संबंध तो हम अभी छोड़ नहीं सकते जब तक मृत्यु नहीं हुई है हिसाब किताब इसलिए संबंध तो रखना पड़ेगा लेकिन बंधन तो नहीं है और बंधन जो होता है कोई भी बंधन आप देखो उसकी निशानी क्या है वो आपको बंधन अपने तरफ खींचेगा बार बार हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हम बैठते हैं नहीं बाबा और आत्मा बन के बस बाबा को याद करें फिर बीच बीच में देह का याद आ जाती है तो माना बंधन है ना संबंध रखना अलग चीज है उसको यूज करना क्योंकि देह को हमको कार्य में लगाना है तो संबंध है हमारा देह के साथ हमारा बंधन है कर्म के साथ हमारा बंधन है ये चेक करो अगर बंधन होगा तो हम फ्रिश्ता नहीं बन सकते फ्रिश्ता माना जिसका बाबा का स्लोगन है फ्रिश्ता वो है जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं अट्रैक्शन नहीं नाता माना दे पुरानी दुनिया में रहना ही पड़ेगा ना अभी ये ज्ञान सरोवर है वो भी पुरानी दुनिया है ना पुरानी ही दुनिया की ये प्रकृति से बना हुआ है ना तो संबंध भले रखे लेकिन बंधन खींचता है वो खिंचावट नहीं तभी हम फरिश्ते बन सकेंगे स्थिति में रहना एक है फरिश्ता भाई हाँ हम तो फ्रिश्ता बनना ही है बाबा से प्यार है बाबा जैसा बनना है लेकिन वो प्रैक्टिकल स्थिति कैसे होंगी जब आप डबल लाइट होंगे डबल लाइट तब होंगे जब आत्मा रूप में स्थित होके के कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे एक होता है मैं काम कर रही हूं लेकिन आत्मा कर नहीं रही है करा रही है आत्मा कर कर रही रही है है लेकिन करा के कर ना साथ में मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ ना अभी हाथ है मेरा तो मैं आत्मा इस हाथ को चला रही हूँ ना आत्मा निकल जाए तो मेरा हाथ ऐसा ऐसा होगा क्या तो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली न्यारी हूं मैं कर्म करा रही हूं कर्म इंद्रियों से मैं आत्मा कर्म के बंधन में नहीं हूं कराने वाली हूं जैसे डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर को ये तो नहीं भूल जाता है तो मैं डायरेक्टर काम कराने वाला हूं ऐसे मैं आत्मा जो मालिक हूँ वो ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली ये हुआ संबंध और उसके भान में आ गए ये हुआ कर्म का बंधन तो फ्रिश्ता माना संबंध भले हो लेकिन बंधन नहीं बॉडी कॉन्शियस की याद नहीं हो आत्मक रूप की नशा हो मैं मालिक हूं जब मैं मालिक समझ के इस कर्म इंद्रियों को चलाएंगे ना तो आप बंधन में नहीं फंसेंगे लेकिन संबंध से काम करेंगे उस न्यारे होके बाबा के प्यारे रहेंगे तो फ्रिश्ता स्थिति माना डबल लाइट और देह भान से परे आत्मक लाइट रूप में रहना ज्योति स्वरूप में न्यारी तब भी हम फ्रिश्ते लाइफ का चलते फिरते अनुभव कर सकेंगे अगर आत्मा शरीर के कर्म इंद्रियों के वश काम कर रही है तो मैं फ्रिश्ता नहीं बन सकती जो फ्रिश्ता है ही डबल लाइट तो एक आत्मा लाइट है दूसरा लाइट माना हल्का कोई बोझ नहीं डबल लाइट अगर शरीर भान में होंगे तो हमारा हल्कापन कभी नहीं हो सकता छोटी छोटी बात में वो चलता रहेगा बोझ लगेगा सेवा सभी करते हैं, अच्छा आठ घंटे चार घंटे दो जने है, सेवा करके आए हैं, एक कहेगा हम बहुत सेवा बहुत एक कहेगा मैं तो बड़ा सेवा करके आया हूँ बहुत खुशी अभी सेवा तो एक ही करके आए लेकिन वो बंधन में फंस गया वो संबंध में आया इसीलिए उसकी अवस्था में फर्क हुआ तो फ्रिश्ता लाइफ का अनुभव करना है हमको फ्रिश्ता हमको अच्छा लगता है लेकिन ऐसे ही अच्छी अपनी नेचुरल स्थिति बनानी पड़ेगी बाबा से प्यार है ब्रह्मा बाप समान हम सभी ये नारा लगाते हैं बाबा क्या चाहते हैं, तो जवाब में सब कहते हैं बाप समान बाबा चाहता है हम बाप समान बन रहे तो समान माना फ्रिश्तेपन की स्थिति तो हमारी प्रैक्टिकल में हो ना बाबा ने कहा तो देखो मैं भी तो पुरानी बाडी में प्रवेश होता हूं ना ब्रह्मा का भी पुरानी बाडी में प्रवेश तो हुआ ना बाबा लेकिन बाबा बंधन में आया शरीर के कर्म के बंधन में आया अभी भी तो बाबा आता है तो शरीर का आधार तो लेता है ना बोलता भी है देखता भी है तो आंख का आधार लेता है मुख का आधार लेता है लेकिन बंधन में फंसता है क्या संबंध में जरूर आता है लेकिन आया गया न्यारे का न्यारा ऐसे ही हम भी शरीर का संबंध लिया कर्म किया लेकिन कर्म से कर्मातीत माना कर्म के बंधन में नहीं आना न्यारा नहीं कर्मातीत का ये मतलब नहीं है कि कर्म से अतीत न्यारा हो जाओ छोड़ दो कर्म अतीत का अर्थ ये नहीं है कर्मातीत माना ही है कर्म के संबंध में आओ बंधन में नहीं आओ अब बंधन की निशानी है अगर मैं कर्म के या शरीर के बंधन में हूं तो बंधन की निशानी ये होंगी जो आपको वो शरीर का भान खींचेगा और एक्शन कॉन्शियस में ही टाइम जाएंगे सोल कॉन्शियस सुप्रीम सोल कॉन्शियस नहीं हो सके ये निशानी तो अपने को चेक करो बस कर्म करते करते बीच बीच में अपने को चेक करो सम, कर्म संबंध है या कर्म बंधन है अगर बंधन में फंस गए थोड़ी भी विस्मृति हो गई मैं कराने वाली आत्मा हूं न्यारी हूँ कर्म मेरे कर्मचारी डायरेक्टर अगर कर्मचारी अपने को समझ करके और डायरेक्टरपन भूल जावे तो उसके को, कभी भी जो उसकी फैक्ट्री होगी या जो भी उनका कुछ होगा कारोबार ठीक नहीं चल सकता वश हो गया ना कर्म कर्मचारियों के तो ये फ्रिश्तेपन की स्थिति बाबा के समान बनना है तो हमारा बाप दादा दोनों है कर्म में ब्रह्मा बाबा के समान न्यारे बंधन में नहीं और निराकार शिव बाबा के समान जब चाहो तब निराकारी रूप में स्थित हो जाओ जब चाहो निराकारी से साकार में आओ जब चाहो तब न्यारे हो जाओ निराकार आत्मा भी है निराकार परमात्मा भी भले फर्क है हमको जन्म मरण में आना पड़ता है वो जन्म मरण में नहीं आता है आज भी मुरली में था ना मैं एक ही बारी आता हूं आपको बार बार जन्म लेना पड़ता तो फ्रिश्ता बाबा से प्यार माना बाबा समान बनना तो ये अभ्यास करो चेक करो अपने को बीच बीच में चेक करो ऐसे नहीं सुबह को अमृत वेले बैठे हमारी चेकिंग भी हो गई बाबा से मिलन भी हो गया फिर आठ घंटा दफ्तर में गए तो एक्शन कॉन्शियस बीच में कभी स्मृति आ गई नहीं तो काम में ऐसे लग गए मस्त हो गए जो काम काम के ही तरफ अटेंशन बस बुरा नहीं व्यर्थ नहीं चलता कुछ वो नहीं देखे काम में कई संकल्प काम जो करे उसमें फुल बिजी क्या बीच बीच में हम बिजी होते हुए भी क्या हर घंटे डेढ़ घंटे के बाद अपने को चेक नहीं कर सकते हैं एक मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं समझो बहुत अकाउंटेंट है अकाउंटेंट का काम जो होता है वो फुल बुद्धि लगानी पड़ती कई काम ऐसे होते हैं जो हल्के हैं, लेकिन अकाउंट का काम सबसे दिमाग वाला है अच्छा अकाउंटेंट है मानो या साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं तो वो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन उनको प्यास लगेंगी तो क्या करेंगे पानी तो पिएंगे ना बाबा कहता है एक सेकंड में अपने को चेक करो सेकंड भी नहीं मिलता हो ऐसा कोई नहीं करम बंधन में हूं या कर्म संबंध में हो बस कितना मेरे को तो बोलने में टाइम लगा लेकिन चेक करने में कितना टाइम लगेगा हो सकता है ब्रदर्स हो सकता है ह हो सकता है बहने क्योंकि यहाँ तो बहने भी जाब बहुत करती हैं। हम तो डबल फारे नर्स को आफरीन देते हैं क्यों आप बहुत बिजी रहते हो एक सेंटर एक जाब हा? डबल काम संभाल रहे हो तो है तो आपको थैंक्स बहुत लेकिन डबल फॉरेनर्स को पुरुषार्थ में भी डबल रेस करनी है और बाबा की उम्मीद है डबल फॉरेनर्स में कि फॉरेनर्स जो पीछे पीछे आए हैं उनमें से लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट निकलना है तो कोई तो निकलेगा ना बाबा की उम्मीदें तो पूरी आप करेंगे ही ना प्यार है माना तो उम्मीदें पूरी करना तो बस अभी बीच बीच में चेक करो और चेंज करो सिर्फ चेक नहीं करना चेक करेंगे ना फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे अरे दो घंटे तो मेरे एक्शन कॉन्शियस में गया अभी नहीं हो सकता चलो मेरा शायद पार्ट ही ऐसा है बस दिल शिकस्त हो नहीं चेक इसीलिए करते हैं चेंज करने के लिए चेक और चेंज कट्ठा अगर एक्शन कॉन्शियस हो गए हो तो सोल कॉन्शियस हो में चेंज हो बाकी सिर्फ चेक करते करते वो हो जाएंगे दिलशिक तो कभी नहीं होना चाहिए क्यों आप और हम सब का एक है बोल कि बाबा हमारे कंबाइंड है है कंबाइंड बाबा कंबाइंड है हाँ ट्रांसलेशन हो गई <laughs> तो बाबा कंबाइंड है आपके कंबाइंड है देखो सोच के बोलो बाबा कंबाइंड है के साथ में है क्या है बाबा साथ में है या कंबाइंड क्या है जो कहते हैं कंबाइंड है वो ऐसा ऐसा करो कंबाइंड कंबाइंड देखना भाई कंबाइंड कंबाइंड है ये रशा वाले है कौन है जो नहीं उठा रहे है हाथ है नहीं का भाषा भाषा की ट्रांसलेशन हाँ हाँ भाषा का होता है ट्रांसलेशन होता है। तो कंबाइंड है कंबाइंड कभी अलग होता है क्या होता है कंबाइंड अलग होता है क्या तो आप क्यों कहते हैं गलती हो गई माया आ गई माया से युद्ध करने में टाइम तो देना पड़ा अरे कंबाइंड सर्वशक्तिवान है और माया आ गई क्यों आपका कंबाइंड कहाँ गया हा? वो छिप गया क्या छिप गया अगर मेरे साथ कोई ऐसा बहादुर कोई हो और मैं कमज़ोर हो तो मैं उसको बहादुर को भूल तो नहीं जाऊँगी डरूंगी तो नहीं ना चाहे मैं बिल्कुल डरने वाली हूँ लेकिन मेरे साथ एक बहुत बहादुर है कोई तो मैं डरूंगी बाबा ने कहा मोरली में बिन बार बार का है कंबाइंड बच्चे कहते हैं लेकिन मुझे यूज नहीं करते जब ऐसा टाइम आता है जिस समय मेरे मदद की जरूरत है मुझे यूज करना नहीं आता आज मुरली में क्या था जो दादी ने कहा हमको तो अच्छा ही नहीं लगता बाबा ऐसे कहता है तो बाबा ने क्या कहा मैं सर्वंट हूं आपका सर्वंट हूँ माना सहयोगी हूं मददगार हूं रखियक को जो भी कहो तो कंबाइंड होते माया कैसे आ सकती है सोचो आ सकती है तो कंबाइंड उस समय मर्ज हो जाता है बाबा मेरे कंबाइंड है मैं भले कितनी भी कमजोर हूं लेकिन बाबा तो कमजोर नहीं है ना कंबाइंड वो तो सर्वशक्तिवान है ना सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है और मैं डर रही हूं माया से जरा सा संस्कार थोड़ा सा टक्कर हुआ तो घबरा जैसे छोटा बच्चा होता है ना आवाज थोड़ा होता है बेचारा डर जाता है थोड़ी सी माया का संस्कार का टक्कर हुआ घबरा गए हाय माया आ गई फिर युद्ध करते रहो बाबा कहते कंबाइंड का फायदा तो उठाओ कंबाइंड का लाभ तो लो यूज करो ना मुझे तो यूज नहीं करते टाइम पर यूज नहीं करते इसीलिए जो बाबा से हमको मदद मिलनी चाहिए वो टाइम पर नहीं मिलती क्योंकि हम लाइव यूज ही नहीं करते तो वो क्या करें चीज बहुत बढ़िया हमारे पास पड़ी है लेकिन टाइम पर मैं उसको यूज ही नहीं करूंगी तो चीज का थोड़ी वो है दोष दोष तो मेरा है ना मुझे ही यूज करना है ना तो यूज करो चेक करो और बाबा से प्यार है तो बाबा समान व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो ये है बाबा से प्यार की निशान प्यार तो है सबका तो निशान ही दिखाओ ठीक है ना अच्छा ओम शांति